हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर एनसीईआरटी बुक के अनुसार करवाया था, ईवीएस में चमकते सितारे, जिसके रिलेटेड मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन तो करवा दिया था, लेकिन मैंने आपको बोला था इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी मैं जो चैप्टर करवाऊंगा उसमें कहीं ना कहीं अटैच करके आपको बताता रहूंगा। लेकिन वहां पर बच्चों ने कहा कि सर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से बता दीजिए, तो आज हम केवल उसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से पूछे जा चुके हैं। ओके, तो इस वीडियो का आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, तो पहले क्वेश्चन में बोल रखा है आपका कि मधुमक्खी पालन हेतु जिस बक्से का प्रयोग करते हैं उसमें मक्खी को आकर्षित करने हेतु क्या डालते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब मधुमक्खी पाली जाती है तो मधुमक्खी के लिए आपके बी बॉक्स आते हैं, मतलब मधुमक्खी को पालन करने के लिए बॉक्स आते हैं। तो उन बक्सों में क्या डाला जाता है मधुमक्खी को आकर्षित करने के लिए, चीनी का मीठा घोल, फूल का मकरंद, फूलों का रस या शहद का घोल। तो उसमें डाला जाता है आपका चीनी का मीठा घोल। क्यों? क्योंकि उससे मीठे से आपकी जो आपके आसपास की मधुमक्खियां होती हैं उसको आकर्षित करने के लिए वो डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था, और थ्योरेटिकल पोर्शन में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय जब होता है जब मधुमक्खी अंडे देने वाली होती है, और वो कब देती है अंडे, तो वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। तो कौन कौन से कथन है, मैंने आपको पूरे मधुमक्खी से रिलेटेड 7 से 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, और ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं मधुमक्खी से रिलेटेड। तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय जो होता है वो जनवरी से मार्च होता है, लेकिन हमने क्या बताया पढ़ा था अक्टूबर से दिसंबर, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा बोल रखा है कि लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं, यहां पर लिख रखा है लुभाते हैं, कोई बात नहीं लुभाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, जो कि लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी के महीने में खिलते हैं। नेक्स्ट है आपका, मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहर का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, जो कि मैंने आपको बोला था लगभग लगभग 2000 रुपए के आते हैं, तो तीसरा भी सही है। और चौथा बोल रखा है, मधुमक्खी के मीठे घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है उनको आकर्षित करने के लिए, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट छोड़कर बाकी सही है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही होगा, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो झूम खेती के बारे में मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया था, तो क्या क्या है देखिए। पहला बोल रखा है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों का तक खुला छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही बात है, उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए उनको कुछ वर्षों तक खुला छोड़ते हैं, तो पहला ठीक है। दूसरा, इस भूमि पर उगने वाले बांस एवं खरपतवार को काट कर वहीं जला दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वो खाद के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, नहीं हल्की जुताई की जाती है, गहरी जुताई नहीं की जाती, और वैसे भी गहरी जुताई पहाड़ी इलाकों पर नहीं होती पाती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो गलत है। फोर्थ क्या बोल रखा है कि एक ही खेत में 3 से 4 प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। झूम खेती जो होती है वो छोटे छोटे इलाकों में होती है, पहाड़ी इलाका होता है, और एक ही खेत में आपके कई प्रकार की फसलें देखने को मिल जाएंगी, तो फोर्थ भी सही है। और फिफ्थ बोल रखा है कि आवश्यकता के अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, वहाँ कीटनाशकों का इस्तेमाल ऐसी खेती में नहीं किया जाता, बिल्कुल प्राकृतिक रूप में की जाती है ये खेती। तो ऑप्शन नंबर थर्ड और फिफ्थ छोड़कर बाकी तीनों के तीनों सही थे, तो ऑप्शन इसका सही क्या होगा, 1, 2 एंड 4। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था, 1, 2 और 4 इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो कौन थे वो, तो वो थे आपके, सबका नाम इनको पता ही है, नील आर्मस्ट्रांग, और कब उतरे थे वो मैंने क्वेश्चन ऐड कर रखा है, तो उसको भी बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, नील आर्मस्ट्रांग थे जो चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। तो कप वगैरह कटोरियां वगैरह मैंने आपको बताई थी, और वो कहां बनती थी, मिजोरम में बनती थी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में जाने के बाद यान से बाहर निकलने का चित्र कब जारी करा था? तो अलग अलग डेट मैंने आपको बताई थी, और नासा ने जो सुनीता विलियम्स का चित्र जो जारी करा था यान से बाहर निकलने का, वो करा था आपका 16 दिसंबर को। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, 16/12/2006 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किसका एक भाग है? तो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी पृथ्वी धरतल पर सबसे ऊंची चोटी है, वो किसका भाग है? एक तिब्बत का, नेपाल का, म्यांमार का या भारत का? तो सही आंसर होगा इसका, नेपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। तो क्या दे रखा है देखिए, पहला अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, दूसरा पूरे ग्रुप के आगे आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, तीसरा जो चल ना पाए उसको रुकने के लिए कहना, चौथा साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसको सब के लिए या फिर उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, और पांचवा रुकने और आराम करने की अच्छी जगह ढूंढना। नीचे क्या बोल रखा है कि माउंटेनिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का उपयुक्त में से चयन कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार और करवाया था, और माउंटेनिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो थे वो चमकते सितारे में थे, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखो, अन्य लोगों के सामान उठाने में मदद करना बिल्कुल सही है, यानी कि पहला, दूसरा पूरे ग्रुप के आगे आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, ये जरूरी नहीं होता है, तीसरा जो चल ना पाए उसको रुकने के लिए कहना, ये तो सबसे बड़ी वाली बेवकूफी बात है कि अकेला उसको छोड़ दिया जाए, बाकी चौथा और पांचवा इसका बिल्कुल सही आंसर था। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह समुद्र तल से डैश ऊंचाई पर है। तो ये क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है, जो कि पहले 8848 मीटर पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब इसका एनसीईआरटी में जो ऊंचाई बताई जाती है वो 8850 मीटर बताई जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर मानेंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारा सभी मौसम में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि? तो मैंने आपको बोला था ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा में दिखाई देता है, तो इस हिसाब से आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, कि ध्रुव तारा जो है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर होता है, मतलब उत्तरी दिशा की तरफ दिखाई देता है, उसकी परमानेंट एक फिक्स जगह है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि टूटता तारा उल्का है, तो ध्यान रखिएगा जो टूटता तारा होता है, यानी कि जो भी आपके एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो कि आसमान से गिरते हैं पृथ्वी की ओर, तो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही उनमें आग लग जाती है और वो नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, वो पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाते, पृथ्वी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंच ही नहीं पाता। ओके, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, कि उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। एनसीईआरटी बुक्स में जब मैं आपको एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल पढ़ा रहा था, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा था आपको, लास्ट वाली बाह्य मंडल जो मैंने आपको बताया था उसमें जाकर ये उल्का पिंडों को आग लगती है, अच्छे तरीके से मैंने आपको ये समझाया था, अगर आपने वीडियोज देखी होंगी तो आपको ये पता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि चंद्र ग्रहण होता है जब? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा जो ग्रहण लगता है वो कब लगता है? जब पृथ्वी जो होती है वो चांद और सूरज के बीच में आ जाता है ना, तब ये सूरज चंद्र ग्रहण लगता है, मतलब सूरज की रोशनी डायरेक्टली चांद तक नहीं पहुंच पाती। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था, पृथ्वी सूरज एवं चंद्रमा के बीच होती है तब आपका चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था, चमकती सितारी कौन थी वो? तो वो सूर्यमणि थी जिनके द्वारा जंगल बचाओ आंदोलन किया गया था झारखंड में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति को लागू किया गया, तो एससीईआरटी में मैंने आपको पूरे के पूरे पर्यावरण नियम बताए थे, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में आपको चार लिंक दे रखे हैं, एक मैंने आपको एससीईआरटी के अनुसार जो पर्यावरण कानून बताए थे वो, उससे रिलेटेड आपका दूसरा आपके वहीं पर ही मिल जाएगा जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस करवाए थे वो, तीसरा लिंक आपको यहां से मिल जाएगा जो इसका थियोरेटिकल पोर्शन है यानी कि एनसीईआरटी बुक्स का, और चौथा लिंक आपको वहां पर मिलेगा, कौन सा? वो टेलीग्राम ग्रुप का मिलेगा, वहां जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई हम लाइव आते हैं यूट्यूब पर या जब भी मैं आपको कोई पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूं तो हम वहीं पर ही शेयर करते हैं, वहीं से आप वहां आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, तो चारों के चारों लिंक मैंने वहां दे रखे हैं, किसी को कुछ देखना हो तो उस लिंक पर क्लिक करके देख सकता है। ओके,
तो राष्ट्रीय वन नीति को कब लागू किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1952 में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कानून जो आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है वह कौन सा कानून था, तो वो था आपका कानून जंगल अधिकार कानून 2007, जो कि वहां पर जंगलों में रहने वाले कोई भी आदिवासी व्यक्ति जो लगभग जंगलों में 25 वर्ष से ज्यादा रह रहा हो, तो जंगल में जो भी उत्पादित सामग्री होगी उस आदिवासी का उस पर हक होगा, तो वो जंगल अधिकार कानून 2007 उनको ये अधिकार दिलाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के डैश में माला व गुलदस्ते गिरे हुए फूल पत्तियों से बनाए जाते हैं, तो भारत के कौन से राज्य में ऐसा किया जाता है, तो वो किया जाता है झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, वह चंद्रमा पर कब उतरे थे, तो कौन सी डेट में उतरे थे, ध्यान रखिएगा काफी बार डेट पूछ ली जाती है और बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 20 जुलाई फिक्स डेट है, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग थे वो चंद्रमा पर उतरे थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिलाएं थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली वाली भारतीय महिला कौन थी जो चढ़ी थी, जिसको आपके नेपाली नाम में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, सागरमाथा। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो पहली भारतीय महिला जो थी वो थी आपकी बछेंद्री पाल, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इनका बिल्कुल सही आंसर होगा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट पर चली और पूरे विश्व की पांचवीं महिला बनी। ओके, नेक्स्ट और आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहां पर स्थित है, काफी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा ये उत्तरकाशी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, तो ये थी आज के आपके पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पोर्शन करवाया था, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पूछे जा चुके हैं, और ये मधुमक्खी वाला क्वेश्चन तो आपको हर बार देखने को मिलता है, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से सारी चीजों को समझिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, बाकी जो हमारी क्लासेस है वो यूं ही कंटिन्यू चलती रहेंगी, आपको उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जैसे ही हमारा कोई सिलेबस खत्म हो जाता है तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करेंगे, चाहे वो ईवीएस का हो, सीडीपी का हो, मिक्स 30-30 क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए, जो ईवीएस मैथ पेडागोजी या मैथ से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक करके आपके लिए प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका पूरा सिलेबस खत्म करवाने के बाद दूं या फिर बीच बीच में दूं, ये चीज सोचने के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आपको प्रैक्टिस पेपर जो कि चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, 30-30 क्वेश्चंस का, वो आपको सिलेबस कंप्लीट होने के बाद चाहिए या फिर अभी हमारा कंप्लीट जो सिलेबस हो चुका है वो आधे से ज़्यादा हो चुका है, या फिर अभी से ही बीच बीच में कभी कभी मैं आपको दे दिया करूँ, हफ्ते में 2 दिन या हफ्ते में 1 दिन, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ओके, ये आप मुझे लिखकर बताइएगा नीचे कमेंट में, जैसे भी आपको सुविधा लगे उस प्रकार से मुझे बताइएगा। ओके, तो ये दोस्तों थी आज की हमारी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट क्लास और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो या किसी भी प्रकार का आपका सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सभी के मैसेज को रीड आउट जरूर करता हूँ। और साथ ही साथ में अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड पूरे ऑथेंटिक नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और उसके पास ऑप्शन आएंगे ऑल का, तो ऑल करके दबाइएगा, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। ओके, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पूरी की पूरी वीडियो, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।